हेलो, नमस्ते दोस्तों, ये सुनीता की रसोई है। मैं आ गई हूँ। अब मैं आज बनाने जा रही हूँ व्रत वाली सब्जी और रोटी या पूड़ी। पूड़ी खाएं या रोटी, जिसको जो पसंद हो। व्रत वाली सब्जी में पनीर की सब्जी बनानी है। अब पनीर की सब्जी के लिए ये मैंने मखाना एक कटोरी लिया है और 3-4 मीडियम साइज के बड़े कटे हुए टमाटर, 3-4 हरी मिर्च कटी हुई और ये धनिया की डंडी जो थी वो मैंने इसमें काट ली। अब ये मैं बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। गैस के फ्लेम को ऑन कर दिया। कढ़ाई को थोड़े से घी से पहले ग्रीस कर लेंगे। ये देखिए, ग्रीस कर लिया। अब इसमें 1 चम्मच घी डाला। अब इसमें मसाले, जीरा डाला, दो इलायची डाली, 2 कश्मीरी लाल मिर्च और 5-6 लौंग और ये काली मिर्च के 8-10 दाने। अब इसमें हरी मिर्च डाली, कटे हुए टमाटर और ये धनिया कटे हुए। टमाटर गल चुके पूरी तरह से। अब इनको बाहर निकालेंगे। ये बाहर निकाल लिया। अब ये ठंडा करने के लिए रख दे रहे। अब इसमें थोड़ा सा घी डाला और ये मखाने डाल दिए 1 कटोरी। अब इनको हल्का सा रोस्ट कर ले रहे। मखाने भुन गए, देखिए। अब इनको निकाल लेंगे। ये जो मैंने टमाटर और उसका ये बनाया हुआ है मसाला, इसको मैं ग्राइंडर में डाल के पेस्ट बना लेती हूँ। और इसी में 5-6 काजू ऐड कर दिए। अब कढ़ाई में 2 चम्मच घी डाला। घी नहीं है तो आप मूंगफली का ऑयल है उसमें बनाइए, सूरजमुखी का ऑयल उसमें बना लीजिए। और ये जो पेस्ट मैंने काजू और टमाटर डाल के जो बनाया इसको ऐड कर दिया। जीरा मैं इसमें डाल चुकी हूँ इसलिए मैंने जीरा नहीं डाला। जो 2 चम्मच धनिया लिया, इसको पानी डाल के पेस्ट बना लिया, इसको ऐड कर दिया। अब ये 1/2 चम्मच जीरा भुना हुआ पाउडर, सारे मसालों को अच्छी तरह से भून लीजिए। इसको ढक दिया, लो फ्लेम पे गैस को करके इसको ढक दिया। Thank you.
मसाला हमारा मसाला भुन गया। ये देखिए घी छोड़ मसाला घी छोड़ने लगा, मसाला भुन गया। अब इसमें पानी डालेंगे, दो कटोरी पानी, उबाल आने लग गया। अब मैंने जो पनीर काटा हुआ है पनीर को ऐड कर दिया। अब इसमें मखाने भी ऐड कर दिए। अब इसको अच्छे से बनने दीजिए। मखाना और पनीर की ये व्रत वाली सब्जी हेल्दी डाइट। अब इसको मैंने ढक दिया, तब तक ये उबल रही हमारी सब्जी। मैं आटा को ऐड करने के बाद खोलने लगी। अब स्वादानुसार नमक ऐड कर दिया। अब इसको लो फ्लेम पे करके ढक दिया। अब ये सब्जी हमारी जब तक तैयार हो रही, मैं आटा को तैयार कर लेती हूँ। ये कुट्टू का आटा है, अब इसमें गरम पानी में बिना आलू के, आलू है नहीं उबला हुआ तो कैसे बनाएं, तो गर्म पानी में आप आटा को डो बनाइए। आटा में थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका डो बनाना है। आटे का एक साथ पानी मत डालिए, गरम पानी में सानना है। अब हाथ में थोड़ा सा ठंडा पानी के छींटे लगा के इसको अच्छे से गूंथ लेंगे। गूंथ के तैयार हो गया, ये बढ़ गया। देखिए ये देखिए, ये आटा मर गया। अब मैं सब्जी को चेक कर रही हूँ, सब्जी को चेक कर लेते हैं। देखें अभी थोड़ी ग्रेवी पतली है, थोड़ा सा और बलने दें। ये इसमें थोड़ा सा सूखा आटा लगा के रोटी को बेलेंगे। ये इस तरह से ये रोटी, अब इसको
अब इसमें हल्दी नहीं जो खाते वो केसर मैंने भिगाई है, केसर का पानी ऐड कर दिया। ये केसर ये देखिए सब्जी तैयार और रोटी भी तैयार। मैं रोटी बना रही हूँ, आपको खाना ही है पूड़ी तो आप पूड़ी बनाइए, चाहे पराठा बनाइए, कुछ भी बनाइए। इसकी रोटी हाथ से भी बहुत अच्छी बनती है। ये देखिए हाथ से बन गई रोटी। ये देखिए इसको बिना सूखा आटा लगाए हाथ से बढ़िया रोटी बन रही इस तरह से। देखिए हाथ से कितनी बढ़िया रोटी बनी है, देखिए फूली फूली बढ़िया रोटी। देखिए ये बढ़िया से देसी घी लगा के ये रोटी और
खीर मखाने वाली और पनीर की सब्जी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। नवरात का बढ़िया थाली है मैंने।